28 में हम इस वक्त मौजूद हैं। किसको वोट दे रही? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों? वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किए हैं, जैसे आपको पता है ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस लाई और काफ़ी ज़्यादा रोड्स वगैरह भी बनाए। वोट वैसे बना तो उन्हें भी नहीं है, लेकिन यही है कि पीटीआई। मैं नवाशी साहब को, मैं उसका गाद वोटर हूँ, उसको देना चाहिए ना, वो अच्छा है, मारा नहीं है वो। उसने मोटर वे बनाई है, उसने हमारे लिए बड़ा कुछ बनाया है उसने। जो उसको कहते हैं वो आप चोर हैं। अच्छा। हाँ, वो चोर नहीं है। मोहम्मद आसिफ साहब वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो जी मैं अभी तो अपने पास ही रख रहा हूँ। वोट किसको दे रहे हैं? हम देंगे नवाज शरीफ को। ये बताएं वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को क्यों? बस ऐसे ही। वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को इंशाल्लाह। पीटीआई को। इनका जो कर रहे हैं ना, जुल्म कर रहे हैं, इनका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, और साल डेढ़ दो साल के अंदर अंदर, ज़रा टाइम नहीं है, अब वो 150 साल वाला टाइम नहीं है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ मैं हूँ सोनिया खान। बच्चे जब बचपन में खेलते हैं तो जिस पार्टी को अपनी मात नज़र आती है वो बल्ला छीन के भाग जाती है। ऐसी सूरतयाल आजकल हमारी पॉलिटिक्स में भी चल रही है। हलका 128 में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें शेख रोहिल असगर साहब जो हैं वो खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और दूसरे जो हैं वो सलमान अक्रम राजा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अवाम इस बारे में क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सिंथिया अक्रम है। सिंथिया अक्रम क्रिश्चियन है? जी जी मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूबर भी हैं? किस किस्म की वीडियोस बनाती हैं? फूड ब्लॉगिंग और सिंपल ब्लॉगिंग और जो भी मतलब कॉमेडी कंटेंट चल रहा हो वो सब। अच्छा, ये बताएं कि वोट है आपका? जी जी मेरा वोट है। फर्स्ट टाइम कास्ट कर रही हैं? जी जी। किसको वोट दे रही? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों? वो मुझे अच्छे लगते हैं और इसलिए। अच्छे लगते हैं, जो अच्छा लगे उसको वोट दे दें? नहीं नहीं, उसने काफ़ी काम भी किए हैं एक्चुअली। मैं क्या काम किए? एक्चुअली हम लाहौर से हैं, तो लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किए हैं, जैसे आपको पता है ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस लाई और काफ़ी ज़्यादा रोड्स वगैरह भी बनाए, और भी उन्होंने मतलब जब उनका टाइम था इमरान खान से पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी, मतलब पंजाब पुलिस वगैरह का काफ़ी अच्छा रोप था, चल रहा था सही, और महंगाई भी कम थी, ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अच्छा, हमारी जो यूथ है वो तो इमरान खान साहब के साथ है। तो हर किसी का अपना ओपिनियन है, मैं आपका जो मर्जी दिल करे आप उसको वोट करें, मेरा जो मर्जी दिल करे मैं उसको वोट करूँ, तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, मेरा भी अपना ओपिनियन है, मुझे नवाज शरीफ से ही लगता है तो मैंने उसे वोट करना है। शाहजेब भाई वोट किसको दे रहे हैं? वोट वैसे बना तो उन्हें भी नहीं है, लेकिन यही है कि पीटीआई। बाबा जी क्या करते हैं? मैं नाई का काम करता हूँ। नाई का काम करते हैं? हाँ। वोट किसको दे रहे हैं? मैं नवाज शरीफ साहब को, मैं उसका गाद वोटर हूँ। अच्छा, शुरू से ही नवाज शरीफ को वोट देते हैं? तो क्यों नवाज शरीफ को ही क्यों? जी नवाज शरीफ को ही क्यों? उसको देना चाहिए ना, वो अच्छा है, मारा नहीं है वो। उसने मोटर वे बनाई है, उसने हमारे लिए बड़ा कुछ बनाया है उसने। हाँ, बसें निकाली है, ये मोटर वे बनाई, चदरा बोर्ड देखा कैसा बनाया है। लोग तो उसको चोर कहते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को, आप चोर है वो। जो उसको कहते हैं वो आप चोर है। अच्छा। हाँ, वो चोर नहीं है। मोहम्मद आसिफ साहब वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो जी मैं अभी तो अपने पास ही रख रहा हूँ। अपने पास क्यों? हाँ। वोट कौम की अमानत होता है। कौम की अमानत तो होता है, लेकिन इतने साल मैंने वोट दिए हैं, लेकिन कोई मुल्क का कोई नहीं सोचता, हर कोई अपने अपने सोचता है। किसको वोट दिया था पिछले साल? मैंने पिछले साल पीटीआई को दिया था। फिर क्या बना? कुछ भी नहीं, आपके सामने। तो इस साल आपने किसी को वोट ही नहीं देना? मैं तहरीके अलबैक को दूंगा, आगे जाके हिसाब देना है ना। बिल्कुल जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अभी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? काशिफ। काशिफ भाई वोट किसको दे रहे हैं? अभी मैंने आज तक नहीं दिया, जमीर को मुतमिन करने के लिए। अच्छा, वोट क्यों नहीं दिया आपने? कौम की अमानत है वोट। नहीं भाजी, कोई अमानत नहीं, हमने वोट दे के भी आगे चोर ही लाने हैं, उसका फ़ायदा क्या? एक दूसरे से बड़ा चोर है जो भी हुक्मरान आते हैं, कोई इंसान का बच्चा नहीं है, सारे चोर हैं। जब ये वोट लेने आते हैं ना, तो उस वक्त तो बड़े हमारे आगे पीछे घूमते हैं, जब हमें कोई काम पड़ता है तो ये मिलते ही नहीं है घरों पर। बाहर देखो कौन आया, वो जी फलां फलां आया, ठीक है जी उसको बोलो घर पर नहीं है, बाद में आइएगा।
चक्कर लगाते रहो, मिलते ही नहीं है, फिर क्या फायदा वोट देने का? वोट देने का फायदा तो ये है ना कि हमें जब हमें कुछ जरूरत पड़े तो हमारी बात भी सुने, हमारी बात तो कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? हम देंगे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों? हमारा उससे प्यार है, नवाज शरीफ से। बस प्यार हो किसी से तो उसको वोट दे देते हैं? नहीं, हम नवाज शरीफ से देते शुरू से। ये बताएं वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को क्यों? बस ऐसे ही। नहीं ऐसे नहीं, कोई वजह होती है? नहीं ऐसे ही बस। नहीं ऐसे नहीं, वजह बताएं। बस ऐसे ही दे देना उनको वोट। वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को इंशाल्लाह। पीटीआई को क्यों? पीटीआई एक वो वाहिद जमात है जिस पे बेशुमार इल्ज़ामात लग चुके हैं जो कि बेबुनियाद हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, इस मुल्क में पहले भी हमने सबको देखा है, लेकिन जो खान साहब ने पुलिसियाँ लाई हैं बड़ी अच्छी थी, बेशक वो जेल में हैं, इसका कोई अफसोस नहीं है हमें, लेकिन हमने उन्हीं को वोट देना है जो उन्होंने बंदे मुंतखब किए हैं। बेशक हमें बल्ले का निशान नहीं मिला, इसकी कोई परवाह नहीं। बाकी इंशाल्लाह ताला पीटीआई जो है वो काफ़ी भारी अक्सरियत से आएगी आगे। पंजाब में इनके नून लीग वालों के, सिंध में उसके जरदारी के, उसको तो काम करने नहीं दिया गया। 50 साल बाद डैम बनने शुरू हुए, 50 साल बाद। हमारे घर का 3-4 रुपये बिल आता था, 3-4 रुपये, अब कितना आ रहा? अच्छा ये बताएं, खिलाड़ियों से बल्ला छीन लिया गया है, अब कैसे लड़ेंगे? इनका जो कर रहे हैं ना, जुल्म कर रहे हैं, इनका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, और साल डेढ़ दो साल के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं है, अब 150 साल वाला टाइम नहीं है। इंतखाबी निशान भी कुछ अजीबो गरीब से नहीं है? बस वो आपको पता है इंतखाबी निशान क्या है आपके इलाके में? मुझे तो भी पता खान का इंतखाबी निशान क्या है? नहीं अभी नहीं पता, नहीं चल रहा क्या। अगर ये ना हो कि आप फिर नूली को वोट दे बैठे? ऐसा नहीं होगा, ना देना पसंद करेंगे, किसी और को नहीं जाएंगे। ठीक है, बल्ला छिन जाने से नुकसान हुआ है? जब मालिक नहीं किसी का करता ना, तो ये जो मर्जी करने नहीं हो सकता। बिल्कुल।